डियर स्टूडेंट्स, आज के नए टॉपिक्स फिर से आ चुके हैं। इसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, साथ ही हम लोग जो पुराने टॉपिक्स हैं हिस्ट्री से, साइंस से, उसको भी कैरी ऑन करेंगे। कल आपने जो कुछ पढ़ा है 24 घंटे के अंदर, उस पर एक टेस्ट सीरीज आज किसी भी टाइम तक आएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि आपने किस किस सेक्शंस को अच्छे से पढ़ा, कहाँ पर आप छूट गए। इसे आपको भी ये प्रैक्टिस सेट से सबसे अच्छा ये पता चलता है कि हमने किस किस सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और कहाँ पे हमसे चूक हो गई। तो ये टेस्ट सीरीज आप दें, 80% का स्कोर का मतलब है कि आपने अच्छे से पढ़ा है। ये किसी भी टाइम तक आज होपफुली आएगा। आज का जो ये नया होमवर्क है, उसमें एक सेक्शन ऐड किया गया है पॉलिटी का। हिस्ट्री में हम लोग करेंगे, एंशंट को हम लोग छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मिडाइवल में। अब विजयनगर साम्राज्य हम लोग आज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में हरियाणा और बुक्का ने। तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। चार वंश हैं, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविदु वंश, जिसमें कृष्णदेव राय तुलु वंश का बड़ा महत्वपूर्ण शासक है। देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, अच्युत देव और कृष्णदेव राय, ये तीन चार बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं, इसे आप पढ़ेंगे। इस समय विदेशी यात्री कुछ आए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। निकोलो कोंटी इटली से आया, अब्दुल रजाक फारस से आया, नूनीज, डोमिंगो पाइस, ये सब पुर्तगाल से आए। तो ये आप करेंगे विदेशी यात्री, लेकिन ये ध्यान रखे कि ये किसके काल में आए, एग्जाम में ये पूछ देता है। निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के टाइम में आया, अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के टाइम में आया, नूनीज अच्युत देव के समय आया, जबकि बारबोसा और डोमिंगो पाइस ये कृष्णदेव राय के समय आया। तो ये इस तरह से आप अच्छे से आप समझ के पढ़ें। चार वंश हैं, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविदु वंश। पूछ देता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था, तो तुलु वंश। तो इसे अच्छे से आप पढ़ेंगे। इस समय हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, साथ ही कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्य तेलुगु भाषा में और जाम्बवती कल्याणम, ये सब आप अच्छे से आप पढ़ेंगे। साथ ही नायंकार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजधानी कहाँ थी, ये सब इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री वर्क के रूप में हम लोग बहमनी सल्तनत भी कर लेंगे। बहमनी राज्य 1347 में हसन गंगू ने, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक और इधर बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था, हसन गंगू यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 1347 में ये बहमनी सल्तनत स्थापित हुआ, 1336 1336 में ये आपका विजयनगर साम्राज्य है। बहमनी सल्तनत में चार प्रांत थे, चार सूबा था, उसे आपको समझना चाहिए। ये सब गुलबर्गा इसकी राजधानी थी, पढ़ने का प्रयास करेंगे कौन कौन से अधिकारी क्या पढ़ते थे। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य हिस्ट्री में मिडाइवल में करना है, और मॉडर्न में साइमल्टेनियसली हमें मॉडर्न बहुत अच्छे से करना है बाकी दिनों में। मॉडर्न में 1919 से लेकर 1930 तक, 1930 तक हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फेज। उससे थोड़ा सा पहले 1917 से 1918 चंपारण सत्याग्रह, सिर्फ डेट पढ़ना नहीं है, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और खेड़ा का आंदोलन, जो महात्मा गांधी का तीन आंदोलन है कंसेक्यूटिवली, तो ये डेट सिर्फ आप याद रखें, साल याद रखें बस, डेट भी नहीं, साल। 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद मिल, 18 में ही खेड़ा का किसान आंदोलन गुजरात में, और 1919 से अब 1930 तक बहुत महत्वपूर्ण फेज। जालियांवाला बाग से शुरू होगा, उसके बाद रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, कांग्रेस के इस बीच विशेष बैठकें हुई हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता और नागपुर में दो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई असहयोग आंदोलन से पहले, कौन अध्यक्षता कर रहा था, इसे समझना है। उसके बाद 1922 का स्वराज पार्टी, उसकी स्थापना। उसके बाद इस बीच में 1924-25 से लेकर 1930 तक कुछ क्रांतिकारी संगठन आ जाएंगे, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, एचएसआरए, ये सब आप करेंगे, भारत नौजवान सभा भगत सिंह के। तो ये कुछ इस समय चंद्रशेखर आज़ाद, उसका चौरी चौरा कांड बीच में आएगा, ये भी आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1924 से लेकर 1930 तक के बीच क्रांतिकारी संगठनों की जो गतिविधियां हैं, उसे बुक्स में है दिया हुआ है। आपको इतनी बातें हम कह रहे हैं, आप किताब खोलेंगे, एक लाइन से सब दिया हुआ है।
खासकर क्राउन में बहुत अच्छा, यूनिक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो ये आप करें। उसके बाद साइमन कमीशन आएगा, उसका विरोध, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आया 1927-28 में, तो ये भी 1928 में, तो ये भी आप करेंगे नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस की विशेष जो बैठक है, वार्षिक बैठक थी, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये सब समझें 1930 तक करें, 1919 से लेकर 1930 मॉडर्न इंडिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्रमवार एकदम करें, देखेंगे आप एग्जाम में इसका आपको कितना जबरदस्त हेल्प मिलेगा। जब क्वेश्चन आ जाएगा साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया, चौरी चौरा कांड है ये क्यों हुआ, किसके विरोध में हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन था, इसके सचिव कौन थे, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या इसकी उपलब्धि थी, स्वराज पार्टी की उपलब्धियां बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 लाइन में, तो ये आप करें बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। एक लाइन से बुक्स में बिल्कुल दिया हुआ 1919 से 1930 तक। हिस्ट्री में कर लें, पॉलिटी में आज एक टॉपिक हम इंक्लूड कर रहे हैं, यह है संसद। संसद टॉपिक में आप आएंगे और उसमें लोकसभा करेंगे, ओनली लोकसभा, लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकसभा किस तरह से पहली लोकसभा गठित हुई, लोकसभा में किस तरह से कार्य पूरा जो उसका सिस्टम है कैसे चलता है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल और सारी उनकी विशेषताएं, तो ये कर लेंगे लोकसभा। और आ जाइए साइंस में, साइंस में आज हीट, फिजिक्स में हीट करेंगे, यानी ऊष्मा। ऊष्मा में टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स कर लें, सेल्सियस पे, रोमर पे, उसके बाद फॉरेनहाइट पे, इनका रिलेशनशिप जरूर करें, एग्जाम में आ जाता है, कितने डिग्री पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट बराबर टेम्परेचर दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो रिलेशन आप इसको आप देख लेंगे, ये करें। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण, ये क्या है, इसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स लॉ, हीट में आप थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़ेंगे, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये पढ़ लेंगे। तो बहुत बड़ा नहीं है, 2-2.5 पेज में है। हीट कर लेंगे फिजिक्स से, और साइंस में उधर बायोलॉजी से हम करेंगे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव बायोलॉजी का एकदम फर्स्ट सेकंड टॉपिक है ये। बायोलॉजी जब आप पेजेस आप खोलेंगे बुक में, फर्स्ट के बाद सेकंड टॉपिक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वायरस बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है, किसने इसकी खोज की, क्या इसका फंक्शन है, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और करेंट अफेयर्स और बिहार में 50-50 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव से करने हैं, करेंट अफेयर्स और बिहार में, संभव हो तो आप सितंबर महीने के 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आप कर लें सितंबर महीने के, नेट से कर रहे हैं तो जुलाई महीने के, जुलाई महीने का 50 करेंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव, और बिहार का कोई भी आप सेट उठा लें नेट से ही, बुक का आप चक्कर छोड़ दें, क्योंकि बुक्स में फिर बहुत सारी बातें हैं कौन कौन सी बुक आप लेंगे, टाइम कम है, नेट पे जाएं, जो बिहार पे सेट्स दे रहे हैं उनका सेट्स आप बना लें 50 क्वेश्चन। तो ये है, इतना आप करें, ये बहुत बड़ी बात हो गई, 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए एग्जाम में इन टॉपिक्स से, होपफुली 2-3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब चुनौती ये है कि इन क्वेश्चन को आप करेक्टली सॉल्व करें, कई बार ये हो रहा है कि छात्र जानते हुए गलत करते रहे, तब ये तो बहुत बड़ा बूम रैंक हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देना, तो इससे बचना है हमें, आपको जाना हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और कुछ टफ क्वेश्चंस को भी बनाना है, तभी सफलता मिलेगी, तभी हमें रिजल्ट में अपने रोल नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो हमें कॉमन मिस्टेक से बनना है, बचना है, साथ ही हमें कुछ टफ क्वेश्चंस को भी बनाना है, एग्जाम बड़ा है तो हमें अपने जो गतिविधियां हैं उसको भी कंसोलिडेट करना होगा। तो इस तरह से आप करें, ये टॉपिक्स कर लेते हैं डेली, अगर इस तरह के टॉपिक्स आप कर रहे हैं तो डेली आप 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप अभी 65-70 के स्कोर्स करते हैं तो 15-17 दिनों के बाद आप 85-90 के स्कोर करने लगेंगे, अगर अच्छे से आप इस तरह से पढ़ लेते हैं।
हीट में, आप देखिए समझ के पढ़ना है। तो इस तरह से आप करें शाम तक या लेट इवनिंग तक, एक और टेस्ट सीरीज आपका पिछले पढ़े हुए टॉपिक्स पे आएगा। तब तक आपसे इजाजत लेंगे, अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, अपने कॉन्फिडेंस को बना कर रखें। 15-17 दिनों की बात है, उसके बाद हम लोग अपनी मनमानी करेंगे। टेक केयर।